वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स दोस्तों। एसएम इंक्यूबेटर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आए पालघर से 350 से 400 किलोमीटर दूर पुणे में, और पुणे से थोड़ा दूर इनका फार्म है। तो हमारे सर के पास हमारा 2400 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स लगा है। उनके साथ साथ ये प्योर देसी का काम करते हैं, और इनके पास देसी के चूजे काफ़ी अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छा इनका मैनेजमेंट है। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने स्टार्टअप किया, और इनका जो पूरा पोल्ट्री शेड है ये इनके घर के बैक साइड में है। आप देख सकते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री टाइप कर रहे हैं, और इनका ब्रूडिंग वो उनके कहीं दूसरे फार्म पे कर रहे हैं, वो भी आपको पूरा बताएंगे। और इनका वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि आपके लिए 350 से 400 किलोमीटर का टूर करके आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए हम महाराष्ट्र टूर कर रहे हैं, और काफी अच्छा आपको गाइडेंस मिलने वाला है। तो सर का वेलकम है हमारे चैनल पे। तो सर आप यहाँ आपका जगह का लोकेशन और आपका पता बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम है अमोल अड़सुल। हाँ। और ये जो जगह है ये महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में पुणे सोलापुर हाईवे पे एक भांडगाव यवत करके गांव आता है, वहां से 10 किलोमीटर अंदर गांव है हमारा। मेरे गांव का लोकेशन है खोर तालुका डोन डिस्ट्रिक्ट पुणे। अच्छा, तो सर आपके पास मुझे बताइए क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल है? सिर्फ प्योर देसी। प्योर देसी में आप क्या सेल करते हैं? बच्चे सेल करते हैं, 1 महीने के बच्चे सेल करते हैं, बड़े बच्चे सेल करते हैं, आप क्या सेल करते हैं? 1 महीने के, 1 दिन के। 1 महीने के और 1 दिन के। तो सर के पास 2 ही वैरायटीज है, 1 महीने के और 1 दिन के। इसके लिए क्योंकि सर के पास थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हैं सर ने उनके घर के बैक साइड में बनाया हुआ फार्म है, और आपको बैक साइड में उधर मशीन भी दिख रहा होगा। पूरा अच्छे से मैनेजमेंट है, क्लीननेस मेंटेन किया है, और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट किया है। वीडियो बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ी है। तो सर आप आपका नंबर बताइए, आपका मोबाइल नंबर बताइए, ताकि आपसे कोई देसी चूज़ा लेना चाहता है। मेरा नंबर है 9730115580। अच्छा, तो कोई आपको कॉल करेगा तो आप उसको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर देंगे। तो सर आप मुझे ये बताइए, आप सबसे पहले क्या करते थे और ये बिजनेस में कैसे आए? तो किसान को ये भी जानना जरूरी है कि सर कैसे तरीके से बिजनेस में आएंगे, तो उसके ऊपर आप 1 मिनट बताइए हमें कि किस हिसाब से आप ये लाइन में आए। देसी मुर्गी का पालन करने के पहले मैं एक जॉब करता था मैसूर कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में, और एक स्टील फैक्ट्री में मैं जॉब करता था। और वहाँ से धीरे 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 जब घर के पास कोई बिजनेस का आइडिया सोचा, तो मेरे को यही एक आइडिया अच्छा लगा कि प्योर देसी का करते हैं काम, क्योंकि प्योर देसी ब्रीड अभी मार्केट में ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे धीरे। इसी के वजह से हमने सोचा कि प्योर देसी का ही काम करेंगे, तो प्योर देसी के ही बच्चे हम बड़े करते, चीज़ें निकालते। अब मुर्गी अंडे पे बिठा के बच्चे पैदा करना इतना आसान बच्चा नहीं है, क्योंकि उतनी क्वांटिटी तैयार नहीं हो पाती उससे। और इसीलिए तो हमने आपका इंक्यूबेटर लिया, और आपके इंक्यूबेटर ने हमें हमारे बिजनेस के लिए 4 चांद लगा दिए। और अभी आप वर्किंग है जॉब में या नहीं है? नहीं, अभी छोड़ दिया मैंने। सर आप हमारे यंगस्टर को बताइए कि आप ऐसे कितने पैकेज में काम करते थे, और आज आप क्या लेवल पे काम कर रहे हैं? पैकेज तो मेरा बहुत बड़ा था, लगभग 10-12 लाख का पैकेज था मेरा साल का। लेकिन अभी मेरे को उससे ज्यादा यहाँ बेनिफिट हो रहा है, तो मैं जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए आप हमारे व्यूअर्स को बताइए आपका देसी मुर्गी का फार्म किस हिसाब से। तो सर ये आपने यहाँ पे फीड में जो मैनेजमेंट किया है वो क्या किया हमारे? ये हम लोग ऐसे डाल देते हैं हाइड्रोपोनिक को। अच्छा, मुर्गियाँ तोड़ तोड़ के पूरा खा लेती है। अच्छा, तो सर ये अभी आपके पास ये टोटल मुर्गियाँ वो कितनी मुर्गियाँ है प्योर देसी की? यहाँ पर 500 टोटल मुर्गियाँ है मेरे पास। अच्छा, टोटल मुर्गियाँ 500 है, पैरेंट स्टॉक है। अच्छा, इनके ही अंडे से हम लोग बच्चे निकालते हैं। अच्छा, इनके अंडे से बच्चे निकाल के आप सेल करते हैं। तो देख सकते हैं मुर्गियों ने कैसे एग्स दिए हैं, आप देख सकते हैं इस हिसाब से यहाँ पे अंडे दिए हैं। एक छोटा अंडा भी आया है, आप देख सकते हैं कोई मुर्गियों का स्टार्टिंग भी है, और उसके नीचे भी आप देख सकते हैं एक मुर्गी यहाँ पे अंडे लेके यहाँ पे बैठी हुई है। मतलब इनका मैनेजमेंट देखिए, और कैसे तरीके से ये मुर्गी अंडे देती है, और यहाँ इन्होंने ऐसे ही चादर लगाई उसके अंदर मुर्गियाँ अंडे
दे देती है। और सर आपके पास जो चार फार्मर आपने जोड़े हुए हैं तो उनसे आप 10 रुपए से बच्चे खरीदते हो, तो सब अंडे इंक्यूबेटर्स में लगा के आप आपके मशीन में हैच करके वहाँ ब्रीडिंग करते हैं, तो ये आपका ये घर के बैक साइड का थोड़ा पेरेंट्स का ये है। और आपने नहीं, मेरे पास यहाँ जगह कम है इसलिए पेरेंट स्टॉक में यहाँ कम दिख रहा है। और जो मेरे फार्मर्स है अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। तो आपने कितने किलोमीटर दूर पे रखे हैं फार्मर्स? फार्मर लगभग 50 किलोमीटर से 50 से 100 किलोमीटर के ही अंदर में। अच्छा, दूर के नहीं है। अच्छा, तो आप उनके पास एक कलेक्ट करते हैं एवरी वीक आपके पास लेके आते हैं, तो आपके साथ साथ चार किसानों को भी एक बिजनेस मिल रहा है और वो भी पैसा कमा। देख सकते हैं दोस्तों इस हिसाब से सर पूरा मैनेजमेंट करके काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और अभी सर आप हमें बताइए मशीन का मैनेजमेंट किस हिसाब से करते हैं? हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने आज तक यही देखा है इंक्यूबेटर ऐसा होता है, लेकिन इंक्यूबेटर से प्रोडक्शन कैसे निकालते हो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। तो दोस्तों देख सकते हैं सर का ये मशीन है जो SM इंक्यूबेटर्स का 2400 कैपेसिटी का। तो सर आपका मैनेजमेंट बताइए आप किस हिसाब से करते हैं? हमारा मशीन में हम वीकली 800-1600 अंडे डालते हैं। हाँ, और कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा भी 2400 अंडा भी डाल देते हैं। अच्छा अच्छा, तो किस हिसाब से डालते हैं हमारे व्यूअर्स को बताइए। देख सकते हैं दोस्तों इन्होंने अभी कितने एग्स लगाए मशीन में? अभी तो 800 ही है अभी। अच्छा, तो 800 एग्स इन्होंने लगाया है, कुछ अंडे उनके पास के हैं, कुछ अंडे किसानों के पास से आते हैं। और सर आप हमारे किसान को बताइए क्या रिजल्ट आता है आपको इस मशीन से? इस मशीन से मुझे 816 अंडों में से 700, 750, 650 ऐसा निकलता है, इसे आखिर अंडों के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो आपका क्या रिव्यू है, आप SM इंक्यूबेटर्स के इंक्यूबेटर से सेटिस्फाइड है या नहीं? बिल्कुल। तो दोस्तों देख सकते हैं इंक्यूबेटर्स लेके ऐसा काम कर सकते हैं। और सर मैंने सुना था आपके पास वोल्टेज का भी प्रॉब्लम है, तो आपने कैसा मैनेजमेंट किया हमारे व्यवस्था? हमने स्टेबलाइजर लगाया है। हाँ, ये स्टेबलाइजर लगाइए। स्टेबलाइजर में कितना खर्चा आया था सर आपको? ये स्टेबलाइजर 8000 रुपए में पड़ा था मुझे। 8000? अच्छा, तो 8000 का आपका ये स्टेबलाइजर है और आपने ये दो इन्वर्टर की बैटरी लगाई है, तो ये दो इन्वर्टर के बैटरी में कितने टाइम तक आपका मशीन चल जाता है? 10 से 12 घंटे का बैटरी। तो सर मुझे बताइए आपको इलेक्ट्रिसिटी कितना लगता है इस मशीन के लिए? इसमें कुछ ज्यादा खर्चा तो आता नहीं। हाँ, इसको स्पेशल कोई इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे लगाया नहीं, ये घर के ही मीटर पे चलता है। तो कोई ज्यादा मतलब बिलिंग में मुझे ज्यादा इंक्रीज नहीं या डिक्रीज ऐसा कुछ लगा नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद ऑटोमेटिकली मशीन टेम्परेचर मेंटेन करता है, ज्यादा होने के बाद पूरा बाहर निकाल देता है। काफी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है। आपने अब तक हमारे रिव्यू देखोगे कि इंक्यूबेटर्स कैसा होता है, लेकिन आज आपने देखा होगा इस तरीके से इसका मैनेजमेंट होता है। तो सर हमने आपका तो ये देख लिया, तो सर आप मुझे बताइए यहाँ से आपके बच्चे कितने दूर है? 1 किलोमीटर पे मेरा ब्रूडिंग सेटअप है, हम लोग वहाँ चलते। तो चलिए दोस्तों हम जाते हैं सर के ब्रूडिंग रूम पे। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, चलो देखते हैं सर का ब्रूडिंग फार्म। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर का कितना बड़ा शेड है और यहाँ पे उन्होंने ब्रूडिंग सेटअप यहाँ रखा है। ये पूरे शेड में ब्रूडिंग करते हैं और यहाँ पे उन्होंने ब्रूडिंग मैनेजमेंट रखा है और मशीन उन्होंने उनके जहाँ रहने की जगह है उसके जगह रखा है, क्योंकि यहाँ गांव साइड में लाइट का बहुत ज्यादा इश्यू होता है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ब्रूडिंग सेटअप रखा हुआ है। तो ये सर जो बैक साइड में आपका पूरा शेड दिख रहा है, इसका साइज क्या है आपका? 150 square, 150 feet by 30 feet। अच्छा, फिर आपने ये उस टाइम पे बनाया था तो कितना खर्चा आया था? लगभग 15 लाख के लगभग टोटल खर्चा था। तो सर अभी आप ये जो हमें ये पूरा शेड दिख रहा है, इसमें आप खाली ब्रूडिंग करते हैं या कैसे? सिर्फ ब्रूडिंग के लिए रखता है। कितने दिन तक आप इसमें रखते हैं? 1 महीने तक। उसके बाद बच्चे सेल कर देते हैं? उसके बाद बच्चे सेल कर। फिर हमने वहाँ पे आपका पेरेंट स्टॉक देखा, तो यहाँ पे खाली आपका ब्रूडिंग चलता है। तो चलिए अंदर हमारे व्यूअर्स को बताया किस हिसाब से आपका ब्रूडिंग होता है।
तो दोस्तों हम देखते हैं इन्होंने ब्रूडिंग का मैनेजमेंट कैसे किया है, क्योंकि बच्चों के लिए ब्रूडिंग करना बहुत जरूरी होता है। ब्रूडिंग आप सही से नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है, आपके बच्चे की मोर्टेलिटी भी बढ़ सकती है। और आपने देखा होगा कि यहाँ सर के पास प्योर देसी के बच्चे है, मतलब सोनाली, डबल एफ जी, ऐसी कौन सी ब्रीड नहीं है जो प्योर देसी, जो कर्नाटका में नाटीकुड़ी जवारी कहा जाता है, महाराष्ट्र में प्योर देसी के नाम से जानी जाती है, उसके ये ब्रूडिंग है। और सर आप बताइए कितने बर्ड्स हैं हमारे पास अभी फार्म में? अभी लगभग 5000 बर्ड्स है अपने पास। तो दोस्तों देख सकते हैं 5000 बर्ड्स का खाली उन्होंने 150 फीट लंबे शेड में 5000 बर्ड्स का खाली ब्रूडिंग कर रहे हैं। आपके पास एज वाइज है? तो सर आपका ये ब्रूडिंग सेटअप बताइए और इसमें कितने दिन के बच्चे है वो बताइए। तो हमने इसमें क्या है कि 500-500 वैट के हैलोजन लगाए, दो हैलोजन लगाए एक राउंड, अच्छा, अच्छा, और 200 वैट के 5 बल्ब लगाए, अच्छा, 1000 वैट, 1+1000 वैट, 2000 वैट इनको टोटल बिजली दी है, और ये पूरा यहाँ टेम्परेचर सेंसर से हमने कंट्रोल किया है। ये आपने यहाँ पे जो ऑनलाइन वाला टेम्परेचर सेंसर मिलता है ये लगा के कंट्रोल किए हैं? इससे कंट्रोल किया हुआ है हर राउंड को। अच्छा, जैसे 4 राउंड है, 4 राउंड को 4 सेंसर। फिर जब ये कंट्रोल होता है तो उसमें कितने बल्ब ऑन रहते, कितने ऑफ रहते हैं? नहीं, टेम्परेचर पे ही सारे बंद हो जाते हैं, सारे ऑन दे रहे थे। अच्छा। और इसके नीचे हमने एक टेम्पररी जैसे यहाँ पर सिंपल बल्ब लगाए। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये सिंपल बल्ब लगाने का महत्व ये है कि ये लगाने से उजाला रह जाता है। उजाला रह जाएगा, मतलब हमारे अगर सेंसर बंद कर देगा टेम्परेचर का तो उजाला रहना चाहिए बच्चों का, इसीलिए। अच्छा, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी काफी अच्छा बचत होता होगा। और इसका कितना कीमत है ये जो सेंसर आपने मंगाया है? 150-300 रुपए तक मिल जाता है। अच्छा, ये आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगाया होगा? ज्यादा महंगा नहीं है। ओके ओके। और व्यूअर्स आप देख सकते हैं, मैंने अभी यहाँ पे नोटिस की एक बात, तो इन्होंने चिकगाड़ की जगह देखो कैसा जुगाड़ किया हुआ है, ये कोरियोगेटेड बॉक्स को ऐसे इस हिसाब से पूरा मेंटेन किया है और ऐसे चिकगाड़ बनाया उन्होंने, देखिए कितना बेहतरीन बनाया। सर इसमें कितने चूजे है आपके? इसमें 500 चूजे टोटल। अच्छा, फिर उसमें भी 500 है? भी 500, सब में 500-500। तो देख सकते हैं व्यूअर्स सब में 500-500 चूजे है। और सर ने देखो कैसे ऊपर से पूरा तार पत्री लगा के मेंटेन किया है, क्योंकि ब्रूडिंग करने के लिए चारों ओर से पैक होना बहुत जरूरी। हाँ, तो सर आप ये चारों ओर से जो पैक किया है तो ये आप खाली दिन में खोलते हैं या कैसा? नहीं नहीं, सिर्फ दिन में, जब वेंटिलेशन अपना दिन में टेम्परेचर सही रहता है तो दिन में ओपन कर देते हैं ताकि पूरा दिन वेंटिलेशन हो जाए और यहाँ का पूरा गंदगी का जो स्मेल है पूरा बाहर निकल जाए। फिर ये आप खाली फ्रंट साइड का ही ओपन करते? खाली फ्रंट साइड। और ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये भी गिरा देते है क्या नीचे? हाँ, जब अलग अलग पेरेंट्स होते, बच्चे अगर बड़े होंगे तो उस समय पे पार्टीशन डाल देते। तो आपने पूरा तार पत्री से मैनेज किया हुआ है। तो व्यूअर्स आपको कभी भी ब्रूडिंग में यह ध्यान देना है, जब आप ब्रूडिंग कर रहे हैं लेकिन आप ऊपर से मेंटेन नहीं कर रहे हो तब तक आपका ब्रूडिंग सही नहीं होगा। ठंड में आप कितने भी समझो इतने बर्ड्स के लिए 5000 वाट के बल्ब लगा दो लेकिन आपका कभी भी ब्रूडिंग सक्सेस नहीं होगा जब तक आप चारों ओर से कवर नहीं कर रहे हो। तो सर आप मुझे ये बताइए, आपने ऐसे पूरे सारे कंपार्टमेंट्स बनाया राइट? तो आपने ये पूरे सारे कंपार्टमेंट बनाए यहाँ से वहां तक, सब ब्रूडिंग सेटअप है, ये सभी हमारे ही मशीन से निकले हुए बच्चे हैं? जी जी, आप तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए और देसी के बच्चे दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, एक उन्होंने सेटअप किया है और उन्होंने इस हिसाब से किया, ये बीच का जो पार्टीशन है ये खुला भी कर सकते है, ओपन कर सकते है। हाँ, ये जो पार्टीशन आपको नजर आ रहा है ये पार्टीशन आप राउंड करके फोल्ड करके इसको भी खोल सकते हैं, यानी पूरा खुल जाएगा जी। हाँ, तो देखिए कैसे किस हिसाब से इन्होंने वेंटिलेशन रखा है। और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ भी एक ब्रूडिंग सेटअप है, जैसे चूजे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम लोग राउंड हटा देते हैं, फिर उनको खुला छोड़ देते फ्री में घूमने। अच्छा, फिर इनके लिए लाइट्स देते हैं या कैसा? लाइट्स देते हैं जब तक यहाँ पर है, पूरा एक महीना होने तक इनको ब्रूडिंग चालू रखते हैं। अच्छा, एक महीने तक आप पूरा ब्रूडिंग उनको? और आप ये जो एक दिन का चूजा है जो प्योर देसी का, वो क्या रुपए से सेल करते हैं? हम 120 रुपए का एक बच्चा सेल करते। कितने दिन का? एक महीने का, 30 डेज का। अच्छा, 30 डेज का बच्चा आप 120 रुपए से करते हैं, और प्योर देसी का जो एक दिन का चूजा है वो कितने रुपए से बेचते हैं? वो 50 रुपए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने कितने टाइम पहले लिया था सर आपने ऐसे इंक्यूबेटर से मशीन चूज? 7 महीना हो गया। तो ये
7 मंथ पहले इन्होंने इंक्यूबेटर्स लिया था और उस हिसाब से ये पूरा मैनेज कर रहे हैं, और आप देखेंगे तो काफी अच्छा इन्होंने सेटअप किया है। और सर आप मुझे ये बताइए कि आपके पास फीड मैनेजमेंट क्या, आप फीड में क्या देते हो? फीड में हम शुरू के 15 दिन तो प्री स्टार्टर देते हैं, हाँ, और 15 दिन के बाद में 30 दिन तक स्टार्टर फीड देते हैं। अच्छा, मतलब पूरा बाहर का ही खाना देते हैं। अच्छा अच्छा, और जो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम वैक्सीन करते हैं लेकिन कोई करता नहीं है, तो आप वैक्सीन करते हैं? बहुत जरूरी है, 4 वैक्सीन 1 मंथ में होना ही चाहिए। तो आप वो सब कंप्लीट करके देते हैं? करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो ये कैसा है, आप ये जो पूरे डेवलप किए है वो पूरा इस हिसाब से मैनेजमेंट कर रहे हैं, और इसमें लाइट जाने के बाद आप जनरेटर से ब्रूडिंग करते हैं? तो इसके बाद सर आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपका बैक साइड में यहाँ पे कितने दिन के बर्ड्स है? ये सब मिक्स बर्ड है, हाँ, जो हमारे पास सेल करने के बाद में जो बच जाते हैं वो हम लोग यहाँ डाल देते हैं। अच्छा, तो देखिए सर का पोल्ट्री कितना क्लीन है, आप देखेंगे इनसाइड से तो पूरा अच्छे से सेटअप रखा है, ये टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं, क्योंकि है, सर का स्टोरी बताए तो सर ने हमारे से 7 महीने पहले मशीन ली थी, तब वो कहीं जॉब कर रहे थे। तो सर बताइए आप कौन सी कंपनी में जॉब करते थे? मैसूर कर्नाटका में एक स्टील फैक्ट्री में जॉब कर रहा था। अच्छा, और जब मुझे मेरे सैलरी से अच्छा इनकम इसमें दिखाई देने लगा और इनकम जब स्टार्ट हुआ मेरा, उस वक्त मैंने जॉब छोड़कर अभी पूरा 100% यहाँ पर आया हूँ। इससे पहले मेरी फैमिली ये देखती थी, मैं सिर्फ गाइड करता था उन्हें। अच्छा, तो आप फैमिली छोड़ के आप कहीं और नौकरी करते थे, तो अभी ये पोल्ट्री बिजनेस से आप नौकरी छोड़ दी। तो सबके लिए दोस्तों आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव चीज है कि आपको कोई भी एक इनकम फिक्स होना चाहिए जब आप पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और जब आपका पोल्ट्री एकदम सक्सेस लेवल में हो जाता है, आपको उससे अच्छा मुनाफा आ जाता है जब आप कोई प्राइमरी जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसमें प्राइमरी बिजनेस पे स्विफ्ट हो सकते हैं। अभी देखिए सर के पास कितना अच्छा सेटअप है, ये महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से तो किसी के पास नहीं होगा, इतना अच्छा सेटअप इन्होंने मैनेज किया है। कितने सारे देसी के चूजे देखो, और वो भी प्योर देसी के, बिल्कुल भी हाइब्रिड नहीं है। अब देखिए बच्चों की क्वालिटी देखिए, बच्चे देखिए किस हिसाब से मेंटेन किए हुए, एक भी आपको क्रॉस नहीं नजर आएगा, पूरा सही हिसाब से ही उन्होंने मैनेज किया। और पूरा यहाँ पे उन्होंने 30x100 के पोल्ट्री शेड में ब्रूडिंग सेटअप किया है, तो दोस्तों आप भी इस हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं। तो सर आपको मैं ये और एक बात पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं पोल्ट्री बिजनेस में बहुत सारा नुकसान होता है, ये देसी बच्चा कहाँ बेचे, तो आपका एक्सपीरियंस बताइए। देसी बच्चों को डिमांड बहुत ज्यादा है, हाँ, लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है कि प्योर देसी होना चाहिए आपके, हाँ, पास। अभी हो गया है मार्केट में क्या कि हर कोई आदमी आता तो है मार्केट में, हाँ, थोड़े दिन बाद मिक्सिंग चालू कर देता है और फिर मार्केट उसका डाउन हो जाता है। तो प्योर देसी ने किया तो बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन आप उतना क्वालिटी भी मेंटेन करना जरूरी है। और सर आप देखने गए तो आज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं 5-5 हजार 6-6 हजार जो बच्चे बेच रहे और कह रहे हम मुर्गियों के नीचे से निकाल के बेचते हैं, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? इतने बड़े मुर्गियों से निकालना पॉसिबल तो नहीं है, हाँ, क्योंकि मैं भी खुद, मेरे पास पेरेंट स्टॉक है, तो इतना पॉसिबल नहीं है और कंटिन्यू नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर आपके पास 5 हजार बच्चे निकालने के लिए कम से कम 10-15 हजार मुर्गियों का फार्म होना चाहिए। अच्छा, और उसमें से फिर उतनी खुड़ भी होनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें ये देसी मुर्गी है जो प्योर देसी, वो खुद अंडे पे बैठती है, खुद अंडा सेती है और उससे बच्चे निकलते हैं, लेकिन ये इंक्यूबेटर्स का यूज करके ये बच्चे निकालते हैं। तो सर बहुत सारे व्यूवर्स का ये एक मिथ होता है कि सर इंक्यूबेटर से निकाले हुए बच्चे ये देसी नहीं होते और जो मुर्गी के नीचे निकलते वो देसी होते, आप क्या कहेंगे उसको? इसमें कोई फर्क नहीं होता है, हाँ, आपका जो अंडा रखा हुआ है चाहे आप मशीन में रखो या मुर्गी के नीचे, हाँ, रखो, हाँ, तो वही अंडे का बच्चा बनेगा। अच्छा, तो आप सर आज इतने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं, इतने आपके पास बच्चे, आप हमने देखा एक 5 हजार के आसपास आपके पास बच्चे हैं, तो आपके साथ और कोई लोग जुड़े होंगे, तो आप कितने लोगों के साथ जुड़ के ये बिजनेस कर रहे हैं? अभी मेरे से जो बच्चे लेके गए के पास के उनके साथ में मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है कि मेरे से बच्चे लेके गए, उन्होंने बड़े किए, उन्हीं से अंडा भी मैं लेता हूँ। क्या रुपए से अंडा लेते हैं आप?
मैं 10 रुपए से लेता हूँ। फिर वो 10 रुपए से एग लेके आप वापस आपके इंक्यूबेटर्स में लगा? हाँ, मैं बच्चे पैदा करने के लिए ही लेता हूँ। अच्छा, वो पेरेंट्स स्टॉक के ही ऊपर रखा हुआ है। अच्छा, तो देख सकते दोस्तों अभी तो इनको जो हमारा 2400 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर है वो भी फिलहाल में उनको कम गिर रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में उनका बड़े इसका रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। तो आप भी इस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं और पोल्ट्री बिजनेस में काफी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। और सर अभी बहुत सारे लोगों के पास देखो दो अपॉर्चुनिटी है, महाराष्ट्र में तो खाली देसी ही चलता है, लेकिन महाराष्ट्र में सोनाली और देसी के बारे में आप क्या बोलोगे? मतलब जो प्योर देसी सोनाली, डीपी कावेरी, डबल एफजी तो महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन सोनाली अभी अभी आई है, उसके बाद अपने पास डीपी कावेरी, पाथरडी गावरान, ये सारी ब्रीड से और प्योर देसी, इसमें आप क्या अंतर बताएंगे? नहीं, इसमें अंतर सबसे बड़ा है कि जब आपकी प्योर देसी मुर्गी बड़ी हो जाए, हाँ, उस वक्त आप एक मुर्गिया खुद हो जाएगी, ये अंडे पे बैठ के खुद बच्चे हाँ, पैदा कर सकती है। हाँ, लेकिन जो आपकी अदर ब्रीड है जिसको हम निम गावरान बोलते हाँ, तो वो ब्रीड खुद होती नहीं है। और उसका मार्केट में रेट क्या है जो हाइब्रिड ब्रीड से हो? हाइब्रिड ब्रीड 100-150 रुपए मैक्सिमम पर केजी बिकता है। और ये क्या रुपए से? ये 400 रुपए केजी बिकता है। और इसका एक महीने का बच्चा 150-120 रुपए से बेचा जाए, ये तो ज्यादा पैमाने पे कर रहे हैं, तो ये 120 से बेच रहे हैं। बहुत सारे किसान है इनके साथ लेके जाके 150 रुपए 160 रुपए में सेल करते हैं। इन्होंने काफी अच्छा डेवलपमेंट किया, और स्टार्टिंग में इन्होंने जब इंक्यूबेटर्स लिया था तब आपके पास कितने बर्ड्स थे? नहीं, मेरी शुरुआत ही अंडों से हुई है, मैंने बड़ा बर्ड लिया नहीं। तो मैंने एक होममेड अपने घर पे ही एक छोटा सा इंक्यूबेटर बनाया था, 80 अंडे 100 अंडे बैठते थे उसमें। अच्छा। और मैं जिनके पास प्योर देसी मुर्गी है गांव में, हाँ, आप देख सकते मेरा पूरा गांव है, हाँ, यहाँ हर घर में मुर्गी मिलेगी आपको। हाँ। तो ऐसे गांव में जाके मैं अंडे उठा के लेके आता था, अपने इंक्यूबेटर में लगाता था, उसी से मैंने पेरेंट स्टॉक डेवलप किया। अच्छा। और जब पेरेंट स्टॉक डेवलप हो गया, अच्छा हो गया, उस वक्त मुझे डिमांड भी आ गई, तो उस वक्त मैंने आपसे इंक्यूबेटर खरीदा बड़ा। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप इंक्यूबेटर लेके गांव से एग्स कलेक्ट करके ले सकते, लेकिन क्या है एग्स में कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होता, तो एग्स में बहुत सारे लोग हमें फंसा देते हैं, किसानों को बोल देते नहीं देसी का है लेकिन हाइब्रिड एग्स दे देते, तो उसमें आपको ऐसी दिक्कतें आई या नहीं आई? नहीं, आती है, लेकिन हम स्टार्टिंग से गांव में रहे हुए हैं, तो प्योर देसी एग्स पहचानने की एक अलग कला है, वो हमारे पास पुरानी है। अच्छा। और उसमें नया कुछ सीखने का नहीं है। तो सर हमारा अभी आपका फार्म देखा, काफी अच्छा है, और दोस्तों आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सर हमारे जो यंग किसान हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये बिजनेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या लगता है आपको, ये ब्रॉयलर को कम्पीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या लगता है? बिजनेस बहुत अच्छा है, आना भी चाहिए, लोगों ने सब कुछ करना चाहिए, बस प्योर ईमानदारी से और नॉलेज पहले लेना चाहिए। सिर्फ बिजनेस में आना, पैसा लगाने से बिजनेस नहीं बढ़ता। अच्छा। खुद का नॉलेज होना चाहिए, क्या करना क्या नहीं करना वो भी समझ में आना चाहिए। अच्छा, बहुत सारा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दोस्तों स्कैम यही चलता है कि देसी बोल के सोनाली, डीपी कावेरी, पाथरडी गावरान, ये हाइब्रिड ब्रीड्स है, उनके बच्चे बेचे जाते हैं। तो जो कोई किसान कर रहा है वो सर्टिफाइड आदमी से ही करे, किसी से बच्चा ले रहा हो तो उनसे नोटरी लिख ले कि सर आपने दिया हुआ बच्चा 100% देसी है या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे में हमें तो इतना समझता नहीं है। नहीं, अगर एक महीने का अगर आप कंटिन्यू पाल रहे हो, हाँ, पहले दिन से 30 दिन तक, तो वेट में भी आपको समझ में आ जाएगा कि देसी कौन सा है, प्योर देसी और क्रॉस कौन सा है। तो सर आप हमारे व्यूवर्स को बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है प्योर देसी का बच्चा? प्योर देसी का बच्चा 120 ग्राम से 125 ग्राम से ज्यादा होता ही नहीं। अच्छा, 30 दिन मतलब 125 से 130 ग्राम मैक्सिमम वेट, हम मोटा मोटी 150 भी मान सकते हैं। हाँ, 150 भी मान सकते हैं, अगर मुर्गा है तो 150 भी हो जाता है। अच्छा। तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो गया तो समझ जाने का आपके पास देसी नहीं है। नहीं, तो काफी अच्छे बच्चे हैं मैंने देखे, और इन्होंने देखा होगा इनका मैनेजमेंट, एक भी बच्चों के बाल कहीं बिखरने का प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सही मैनेजमेंट रखा है। आप देख सकते हैं मुर्गियों को कंटिन्यू दाना रखे है, बहुत सारे लोग कंजूसी कर देते हैं, दाना डालते हैं, थोड़ा ही डालते हैं, आप इनको पेट भर खाना खिलाते हैं, पेट भर खाना खाते हैं, एक महीने तक कोई ये नहीं है रोग दो खाने, उसके बाद रोग दो तभी हो सकती है जब वो फार्मर के पास जाएगा,
एक महीने तक पूरा उनको आप ये मुर्गी ऐसी कि इनको जितनी जरूरत है उतना ही खाना खाती है। हाँ, ऐसा ब्रॉयलर की तरह ये नहीं है कि डालते जाओ तो खाती जाएगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम अच्छा। नहीं है कि और देसी में। अच्छा, तो आपका एन एवरेज दिन में, मतलब दिन में देखेंगे तो फीड का कितना गोनी चला जाता है? नहीं, इसमें फीड का ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आता है प्योर देसी। अच्छा, बहुत कम फीड खाती है मुर्गियाँ। जैसे कि अभी मेरे पास समझो 500 मुर्गी है, बच्चे है, तो मुझे एक बोरी कम से कम 5 से 6 दिन चली जाती है 50 केजी पर। अच्छा, और मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, अभी आप ये एक महीने का बच्चा 120 रुपए से बेचते हैं, तो आप इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे व्यूवर्स को बताइए, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आती है? प्रोडक्शन कॉस्ट अपने ऊपर है, क्योंकि सबसे इसमें रिस्क है मोर्टेलिटी। आपकी कितनी मोर्टेलिटी होती है उसके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सर मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा उसके साथ साथ, हमें आपको 1 रुपए का अंडा गिर रहा है, उसके ऊपर हैचिंग कॉस्ट कितना आता है हमें? हैचिंग कॉस्ट क्या आता है, 1 रुपया भी नहीं आता है। 1 रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा उसमें कोई खर्चा तो है नहीं। तो 1 रुपया इलेक्ट्रिक कॉस्ट पकड़े, समझो आप मशीन में 816 अंडे हर हफ्ते लगाते हैं, उसमें से आपको 750 नहीं, हम 700 बच्चे पकड़ते हैं, 700 बच्चे पकड़ते हैं, तो आपको एक बच्चा कितने रुपए का गिरता है? समझो बच्चा आप 50-55 रुपए से बेच रहे, तो एक बच्चे पे कितना मुनाफा हो जाता है? अभी लगभग आप पकड़ो ना 11 रुपए को हमें एक बच्चा मिल गया। हाँ, अंडे से। हाँ, लेकिन अगर मैक्सिमम 15 रुपए का भी बच्चा पकड़ लिया। हाँ, मैक्सिमम हम 20 रुपए पकड़ेंगे तभी भी 50-55 रुपए से, यानी आपको 30-35 रुपए का एक दिन के बच्चे में फायदा होता है। और आपको क्या लगता है ये एक दिन से एक महीना तक कितना फीड कंज्यूम करते हैं? एक दिन से एक महीने तक अगर पूरा वैक्सीनेशन वगैरह अगर पकड़ के चलेंगे हम, तो एक बच्चे के ऊपर 30 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं आता। मतलब आप 4 वैक्सीन पकड़ के फीड देके 30 रुपया इलेक्ट्रिसिटी के साथ जी। आप ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं इसलिए थोड़ा कम, माने कम इसमें करेंगे तो आपको 35 रुपया भी आ सकता है। हाँ, लेकिन ये सर को 30 रुपया खर्चा आता है, यानी आप समझ लो 120 रुपए का चूजा और इनको बच्चा 20 रुपए का गिरता है और 30 रुपए का इनको फीड कॉस्ट, यानी उनको 50 रुपए में माल तैयार हो जाता है, 120 रुपए में सेल होता है। मतलब आप 60-70 रुपए का फायदा देख सकते हैं। और सर इसमें आपको क्या लगता है, इसमें किसान का घर चल सकता है अच्छे आराम से? बहुत अच्छा चलता है। आपको कुछ ऐसा ये नहीं हो रहा है कि हमने कंपनी छोड़ दिया तो हमारा इनकम पॉज हो जाएगा? आपको क्या लगता है कैसा है हमारा? नहीं नहीं, मेरा जब इनकम चालू हो गया, हाँ, जब मैं स्टेबल हो गया, हाँ, इसमें, तभी मैंने नौकरी छोड़ी, पहले हाँ, नौकरी नहीं छोड़ी। तो अभी आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको ये बिजनेस अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, नौकरी छोड़ के कुछ पछतावा नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, 1% का भी पछतावा नहीं है। अच्छा, तो ये सर जब मशीन लिए थे हमारे से तो उन्होंने उस टाइम पे वहां से ही बुकिंग किया था, जो वो जॉब करते थे और यहाँ अप डाउन करते थे, 10-15 दिन में 1-2 दिन के लिए आते थे, वापस जाते थे। तो दोस्तों आपने इनका देखा होगा कैसे तरीके से पूरा मैनेजमेंट है और कितना सुंदर इन्होंने मैनेजमेंट रखा है। आपने क्लीननेस देखा होगा, कितना अच्छा मेंटेन किया है। आपने कोई वर्कर्स रखा है इस फार्म के लिए? आया खुद करते, तो दोस्तों देख सकते हैं खुद करते तो इनका लेबर कॉस्ट भी बच गया। ये इनके वाइफ, इनके बच्चे सारे मिलके ये पोल्ट्री चलाते हैं और काफी अच्छा लगा हमें कि महाराष्ट्र में इतने बच्चे प्योर देसी के होना बहुत पॉसिबल नहीं है। लोग बोलते लेकिन होते नहीं है। आज आप प्रैक्टिकल देख रहे होंगे, मैं एक बच्चा नजदीक नजदीक से दिखाना चाहूंगा। देखिए प्योर देसी के बच्चे की क्वालिटी देखिए, ये प्योर देसी के बच्चे की क्वालिटी होती है, आप देख सकते हैं एकदम काटक बच्चा होता है, वो ज्यादा वेट नहीं गेन करता है। आपने देखा होगा उसमें, ये देखो मुर्गी, प्योर देसी की मुर्गी देखिए किस हिसाब से, इसमें थोड़े बड़े बच्चे भी आ गए। यहाँ जो आपका माल होता है वो सेलिंग के लिए होता है, राइट? हाँ, नहीं, सेल करके जो बचा हुआ रहता है वो है। अच्छा, बचा हुआ बच्चा यहाँ पे रख देते, मतलब कोई आ गया तो आप ये भी बेच देते वो भी बेच देते? मेरे पास ज्यादातर बड़ा ऑर्डर आता है, छोटे लेने वाले कम आते हैं, मतलब कम से कम 500-1000 ऐसे बच्चे लेके जाते हैं। अच्छा, तो जो उनको देने के बाद में जो मेरे पास बचता है वो मैं यहाँ छोड़ता हूँ, फिर जैसे कि किसी को 10-20 बच्चे चाहिए तो इसमें से लेके जाते हैं। अच्छा, तो काफी अच्छा लगा सर आपका फार्म, और आप जो इस तरीके से मेंटेन किए काफी बढ़िया कर रहे हैं।
हमें आशा है आप इससे भी और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि सर का प्योर देसी का फार्म कैसा था, और महाराष्ट्र में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारे पास देसी है, उनके पास खुद का कुछ नहीं है। आज सर का देखा होगा, ये सर का खुद का है। सर आपके पास से बहुत लोग लेके बेचते भी होंगे, राइट? हाँ, मतलब इनके पास से माल लेके बहुत सारे किसान है, वो ट्रेडिंग भी करते हैं। आप भी इस तरीके से बिजनेस करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और आपका एक खुद का ब्रीड तैयार कर सकते हैं और आप एक अच्छा नाम दे सकते हैं। तो सर आपके फार्म का नाम बताइए क्या है? मेरे फार्म का नाम है एके ऑर्गेनिक वर्ल्ड। तो ये एके ऑर्गेनिक वर्ल्ड जो सर ने नाम रखा है काफी अच्छा रखा है। और एके का फुल फॉर्म क्या है सर? एके मेरे बच्चे का फेवरेट नेम है। अच्छा। हाँ, बच्चे के नाम पे रखा हुआ है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप ऐसा कोई भी ब्रांड बना के अच्छा नाम बना सकते हैं और काफी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। आपने देखा होगा सर का कहीं पे भी प्रोमोटेशन वीडियो नहीं है, कहीं पे भी उन्होंने उनके फार्म के बारे में कहीं पे भी नहीं बताया है कि ये हमें कहीं प्रोमोटेशन करना है, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना मार्केट पहले से फिक्स है कि कहीं पे उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है, खाली एक ऑर्गेनिक वर्ल्ड के नाम से बैनर लगाया होगा बस। तो दोस्तों आपने नाम रखा है। हाँ। इसका एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से था इनका पूरा मैनेजमेंट। और आपको ऐसा बिजनेस करना है तो जरूर आप सर के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर है, आपको इसमें कुछ भी हेल्प लगे तो सर जरूर कॉल करेंगे। और सर आपको हमारे व्यूवर्स को जो भी परेशानी आएगी उसमें आप हेल्प कर सकते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट है आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से था दोस्तों वीडियो, और ऐसे ही नए नए वीडियोस में हम आपके साथ मिलते रहेंगे और ऐसे ही नई नई इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।